अक्सर आपने शादियों के दौरान दुल्हन की विदाई के वक्त रोना धोना देखा होगा, लेकिन कोलकाता में एक ऐसी शादी हुई जिसकी विदाई का नजारा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ विदाई के दौरान रोना धोना जैसा कुछ नहीं हुआ। दुल्हन हंसते मुस्कुराते दूल्हे के साथ ससुराल के लिए विदा हुई। हैरानी की बात यह रही कि दुल्हन खुद फूलों से सजी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठी और ड्राइव करते हुए अपने पति को उसके घर यानी अपने ससुराल ले गई। दुल्हन स्नेहा ने खुद इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। वीडियो क्लिप को साझा करते हुए उसने लिखा, ये वास्तव में मजेदार था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में ओ वुमनिया गाना बज रहा है। दुल्हा और दुल्हन दोनों पारंपरिक शादी के परिधान में नजर आ रहे हैं। स्नेहा ने अपने वायरल वीडियो को निडर, मजबूत और प्रेरक महिलाओं को समर्पित किया है। इनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वीडियो पोस्ट होने के बाद अब वायरल हो रही है। दूसरी खबर भी अनोखी शादी से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कोरोना काल के दौरान एक शादी चर्चा का विषय बन गई। यहाँ सिवनी मालवा थाने में प्रेमी जोड़े की शादी हुई। होली के मौसम में दुल्हा दुल्हन ने पहले एक दूसरे को गुलाल लगाया, इसके बाद गले में वरमाला डालकर एक दूजे का हाथ थाम लिया। इस प्रेमी जोड़े की शादी में पुलिस बाराती बन गए। मंडप बने थाना परिसर में एसडीओपी, थाना प्रभारी और परिजनों के सामने प्रेमी प्रेमिका दुर्गेश और पूजा ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाया। पुलिस के सामने दोनों ने साथ रहने की कसम खाई। प्रेमी प्रेमिका दुर्गेश और पूजा दोनों बालिग हैं। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रेमिका के परिजन तैयार नहीं थे। लड़की वालों के परिजनों ने लड़के के साथ मारपीट की और मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। पुलिस के सामने दोनों पक्षों में सहमति बनी और शादी के लिए तैयार हुए, और इस तरह ये अनोखी शादी संपन्न हुई। तीसरी खबर एक अनोखे द्वीप की है। भारत जहां बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों के चलते जूझ रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया में एक ऐसा द्वीप है जहां सिर्फ 100 लोग रह गए हैं और इस द्वीप पर महज 3 बच्चे रहते हैं। साउथ कोरिया की बूढ़ी होती आबादी और बेहद तेजी से घटती जनदर के चलते इस द्वीप पर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। पिछले कई दशकों से दक्षिण कोरिया में जबरदस्त शहरीकरण देखने को मिला है। इसके चलते इस देश के कई इलाकों में काफी कम लोग रह गए हैं। अगर बात नोकोडो द्वीप की करें तो यहाँ अब सिर्फ 100 ही लोग रहते हैं। इस द्वीप पर मौजूद सिर्फ एक स्कूल 1.5 दशक पहले ही बंद हो चुका है और इन बच्चों को एक अस्थायी स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है। ये द्वीप एक दौर में फिशिंग के लिए काफी मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब सूना होता जा रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।